टीचिंग पोटेंशियल के मोस्ट रिपीटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ये फोर्थ वीडियो है, सीरीज में चल रहे हैं। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उनके आंसर भी ऐसे ही हैं, लेकिन हम साथ में दो बातें करेंगे। एक मेंटल एक्सरसाइज करेंगे कि हमें नहीं पता ये रिपीट होगा, अगर ये चेंज होके आता है क्यों मैं राइट आंसर इसको लगा रहा हूँ। दूसरा गैस वर्क या ट्रिक्स भी की एक्सरसाइज साथ साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि लास्ट डे है आपके एग्जाम के। क्वेश्चन है 50, पता नहीं ये रिपीट हुआ है, मतलब पिछले वीडियो में आ गया है कि नहीं, मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके साथ साझा। मान लीजिए एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वह इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र के माता पिता से संपर्क करें और उसकी समस्या का समाधान करें। देखिए, अगर टीचिंग पोटेंशियल है तो एक नुक्ता जो आपका सिंपल है यहाँ लिख दूं, वैसे लाइफ में भी यही है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। यू आर, अगर यू आर रिस्पॉन्सिबल, ओके, किसके लिए? अपने सुखों के लिए, दुखों के लिए, लाइफ के लिए, और यहां पर स्टूडेंट्स के लिए आप जिम्मेवार हो। अगर आपके पास आया है, आपने सॉल्व करनी है। आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो, लेकिन करेंगे हम खुद ही। आप बच्चे को इंडिपेंडेंट बना सकते हो कि हम बेटा सोचते हैं, करते हैं, आपको क्या है ना, वो कर सकते हो, लेकिन आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं दे सकते। दैट इज वाई फर्स्ट इज रिजेक्टेड के टीचर ए स्टूडेंट पेरेंट्स के पास भेज रहे हैं। पेरेंट्स पहले ही कर लेते, ये रिजेक्ट हो गया। सुजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज होम। देखिए, उसे सुझाव देना चाहिए कि उसे कभी भी कोई भी काम, कभी भी, नेवर जो है यहाँ पर टैग वर्ड है जो ये बता रहा है कि ये एक्सेसिव टर्म है और इसको यूज कर रहे हो तो ये लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। नेवर, कभी नहीं आना, मतलब इसका मतलब है यहां पर रिजेक्शन हो रही है। दूसरा है सुजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल। देखिए, यहां पेरेंट्स के पास और किसी के पास भेज दिया, यहां प्रिंसिपल के पास भेज दिया। एक्सटेंड द रीजनेबल हेल्प, मेरे ख्याल में ये शायद हुआ भी है डिस्कस, रीजनेबल हेल्प ये इसको ठीक करने के लिए काफी है, क्योंकि हेल्प और रीजनेबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सम स्टूडेंट्स आर डेलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन इन क्लास बाय मेकिंग मिसचीज, व्हाट विल बी योर रोल एज ए टीचर? अगर क्लास में कुछ बच्चे अनुशासन भंग करते हैं तो आप क्या करोगे? उन छात्रों को निष्कासित करोगे। वाह भी वाह, पॉजिटिव बनना है टीचर ने, ये बात, ये फॉर्मूला यार टीचर ने क्यों बनना है? मुझे अभी किसी ने कहा कि यार पंजाबी बोलो, है ना, वगैरह वगैरह। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, इससे बड़ी वैल्यूज हैं, सरबत का भला है, है ना। इतनी रिस्पेक्ट जो भाषा को, जात को, धर्म को दे रहे हो, उतनी लोगों को दे दो। फीमेल को नहीं मिली उनको दे दो। तो ये इस पंगों में मत पड़ो, देते जाओ। पॉजिटिव है तो दे, लेकिन पॉजिटिव पर फोकस करो, है ना। अपने भी पॉजिटिव पर फोकस करो और दूसरे के भी पॉजिटिव पर फोकस करो। नेगेटिव पर इतना करो कि आपके पास ताकत है उसको पॉजिटिव करने की। अगर ताकत नहीं है तो ज्यादा तभी मत नेगेटिव देखो, है ना। थोड़ी देर रुको, गेन करो और फिर नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आगे आओ। सो एक्सपेल कर देना टीचर के लिए बिल्कुल गलत है। आइसोलेट कर देना बिल्कुल गलत है। रिफॉर्म द ग्रुप विद योर अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ नहीं करना। गिविंग द मैन अपॉर्चुनिटी, देखो एक एक शब्द बता रहा है कि पॉजिटिव कौन सा है। अपॉर्चुनिटी, आपसे गलती हो जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी वहां मिले क्या होगा। एंड इंट्रोस्पेक्ट के, देखिए इंट्रोस्पेक्ट करना कि चलो मिलके सोचते हैं कि क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई, क्या हम ठीक कर रहे हैं। अगर आप टीचर हो तो ऐसे इंट्रोस्पेक्ट कराना। चौथा शब्द इम्प्रूव, और पांचवा सबसे बड़ी बात है ना कि ये लॉन्ग टेल है। अगर नहीं दिखाई देता तो लॉन्ग टेल, लॉन्गेस्ट टेल वाला, इस पर रीजनिंग करो, राइट आंसर 100% आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच, यहाँ पर है कौन सा है ये 50, विच, हाँ
52nd है, हाँ ये। निम्नलिखित में से कौन अनुमानित सहायता से संबंधित है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू प्रोजेक्टेड, वहां पर ट्रांसलेशन गलत होगी, प्रोजेक्टेड एड कौन सी है? प्रोजेक्टेड होती है कि ये रहा, वैसे ब्लैक बोर्ड पर होगी, मेरे ख्याल में पहले भी बना के आपको दिखाई है यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई चीज़ है, ये है ना, मान लीजिए ये बल्ब है और ये फेंक रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये लाइट ऐसे फेंकता है, वैसे एरो में नहीं फेंकता, ऐसे फेंकेगी, और यहाँ पर वही इमेज बड़ी होकर दिखाई दे रही है, जैसे सिनेमा घर में तो नहीं ओवरहेड प्रोजेक्टर है ना, तो वो अपनी जो इमेज है किसी और पर फेंकता है, ऐसा ब्लैकबोर्ड कुछ नहीं फेंकता। डायोरामा होता क्या है हमें नहीं पता, एपिडायास्कोप, ग्लोब, अब हमें क्या पता चला कि दो चीज़ें हैं, ग्लोब तो वो धरती का एक मॉडल है छोटा सा, इतनी बड़ी धरती है उसको छोटा कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन उसके दिखाए तो वो घूमता है, जैसे जैसे उसके है ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कुछ दिखाया गया है, तो वो प्रोजेक्ट तो कुछ नहीं करता, ब्लैकबोर्ड प्रोजेक्ट तो कुछ नहीं करता, दैट इज़ वाई ये डिलीट कर दिए, अब इनका मीनिंग नहीं पता, देखा, या मैंने कहा एक सेंट्रल आइडिया की भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी करनी है, आपकी वोकैबुलरी वीक है तो आप डाउन जाओगे, वोकैबुलरी अच्छी है तो नॉलेज के बिना भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर एपिडायास्कोप, डायोरामा, ये जो है हमारे पास इनका आंसर नहीं है, तो यहाँ देख लेते हैं डायोरामा और उसका जो होते क्या है, ये डायोरामा ये है, ये है डायोरामा, माय गॉड ये क्या है भाई, ये तो मॉडल जैसा है, 3D थ्री डिमेंशनल मॉडल होता है ये, है ना, तो जैसे आप मॉडल बनाते हो किसी एक पर्पस पर, एक थीम पर, है ना, तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा हमारे पास है कि ये दूसरी एग्जांपल है डायोरामा की, ये ऑडियो विजुअल एड में, ये नेट में और किसी भी टीचिंग पोटेंशियल में, ये ऑड जो अब कम यूज़ हो रही हैं एड, है ना, ये यूज हो रही है आजकल, ये अच्छी है, ये इस ये प्रोजेक्ट मेथड की टेक्निक है कि बच्चे मिलके बनाते हैं, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे, एक बच्चा, है ना, टीचर और बच्चा मिलके बनाते हैं, तो इससे जो है होल हार्टेड सभी डायमेंशन लर्निंग की शामिल होती है। डायोरामा इज ए मॉडल रिप्रेजेंटिंग अ सीन इन विच थ्री डायमेंशनल फिगर्स आइदर मिनिएचर और लार्ज स्केल, ग्लोब धरती इतनी है तो मिनिएचर हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑडियो विजुअल एड या मॉडल मिनिएचर होता है या एक्सटेंडेड फॉर्म होती है या बोथ होता है, दोनों होते हैं, लार्ज स्केल है ना, उसको छोटी चीज है कोई, डीएनए इतना है, है ना, इतना नहीं है, बहुत छोटा है, दिखाई नहीं देता, उसको इतना बड़ा करके आप बना सकते हो, मॉडल डीएनए का सेल कितना छोटा है उसको कितना बड़ा करके दिखा सकते हो, तो ये मिनिएचर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये एपिडायास्कोप, एपिडायास्कोप ये होता है, अब पूछने की बात नहीं है, नेचुरली इसके यहाँ लेंस लगा है, यहाँ से लाइट निकलेगी, यहाँ पर पीछे वो रखा जाएगी इमेज, ओपेक भी हो सकती है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, नॉन ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल बुक है, बुक ऐसी पड़ी है उसमें एक अच्छी इमेज दिखाना चाहते हो, ओपेक है तो ट्रांसपेरेंसी है वो भी दिखा सकते हो, ये दोनों के काम आता है, यहाँ से डाला सामने दीवार है वहाँ पर प्रोजेक्ट हुई, तो ये दो टर्म नहीं सीखे हमने, ऑप्टिकल प्रोजेक्ट कैपेबल गिविंग इमेज ऑफ बोथ ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सो आंसर हमारा क्लियर हो गया कि प्रोजेक्टेड टेक्निक कौन सी है, एक बार देख लेते हैं कि प्रोजेक्टेड टेक्निक हमारे पास आंसर है, मैं कई बार मिस कर जाता हूँ, वेरी सॉरी, एपिडायास्कोप है। अगला आंसर चलते हैं 53rd, 53rd है नेक्स्ट, हाँ यस, ए टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इफ ही कैन, शी भी डालना है अभी साथ में, कैन आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चन एज मैनी एज क्वेश्चन एज पॉसिबल, ये रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ए फिक्स टाइम, मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चन इन ए फिक्स टाइम, ध्यान से देखना, जो नई थ्योरी ऑफ टीचिंग लर्निंग की है वो लिमिट्स नहीं लगाती, आपका टाइम है, आपका ये जो पेपर होगा उसकी टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट जहाँ भी होगी, एक बार ये बता दूँ, स्पीड टेस्ट होते हैं एक, टाइम लिमिट जहाँ भी होगी, जहाँ भी यहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ पर इतने क्वेश्चन का आंसर देना है, फॉर एग्जाम्पल 150 हैं और आपका टाइम है 150 मिनट, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम मैटर कर रही है, तो एक थ्योरी ये कह रही है कि यार बच्चे को ये टाइम के लिमिट मत दो, उसको कहो बेटा लगभग और मैक्सिमम जल्दी कोशिश करना करने की, लेकिन तुम
ले सकते हो टाइम। तो कई बच्चे स्पीड जिनकी अच्छी है मेंटल स्पीड वो यहाँ परफॉर्मेंस अच्छे देंगे, और कई जो हाँ वीक बच्चे थे वो वहाँ जब टाइम लिमिट उठाई तो वो जिंदगी में वो बेटर कर रहे हैं कई जगह। तो दैट इज़ वाई हर जगह टाइम थोड़ी है, लिमिट है। तो ये लिमिट जो लगा रहा है, जिससे बच्चे पर जो लिमिट लगाते हो, जब लिमिट लगाते हो तो वो रॉन्ग ऑप्शन ज़्यादा होगा। मीनिंगफुल क्वेश्चन है, कोई लिमिट नहीं है, इसको टिक ही लगा रहा हूँ। इसे इस बड़ा टिक क्यों लगाना चाहता हूँ, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सभी जो वर्ड लिखे हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मीनिंगफुल। स्पिरिचुअल बात कर रहे हो, एग्जिस्टेंशियल बात कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे आगे जो है दूसरी जनरल इंटेलिजेंस आ गई, फिर आगे इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर आगे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, उसके बीच में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें बेसिक क्या है कि आपको मीनिंग पता है लाइफ का क्या है, आपने खोज कर रहे हो मीनिंग डेथ की, लाइफ की, जीवन की, अच्छाई की, बुराई की खोज कर रहे हो कि दूसरों की सुन रहे हो। वो जो पर्सन करते हैं वो मीनिंगफुल है। मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग क्या होते हैं, जो आपकी लाइफ को हेल्प करते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो ये मीनिंगफुल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वाई कितने टिक इसको लगा रहा हूँ। ये इसको टैग वर्क लेके चलोगे, जहाँ भी मीनिंगफुल है उस पर अटैक कर दो, ये यार मैक्सिमम पॉसिबल है, ये राइट आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ लिमिट्स लगा दी, एज मैनी अप, यहाँ मीनिंग है, ये क्वालिटेटिव है, ध्यान से देखना कि QL लिखा है क्वालिटेटिव। यहाँ पर एज मैंने एज क्वेश्चन पॉसिबल, ये हो गया क्वांटिटेटिव, है ना। राइट आंसर क्वालिटी में ही छुपा होता है, एक और नुक्ता बता रहा हूं, क्वालिटेटिव में छुपा होता है, लाइफ क्वांटिटेटिव नहीं है, लाइफ क्वालिटेटिव है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहां तक फिर क्या हो गया कि क्वांटिटेटिव आ गया, यही, ये भी क्वांटिटेटिव है। और प्लस क्या किया, फिक्स टाइम, इसका मतलब प्लस स्पीड कर दी। अगर सबसे बुरा निकालना होगा तो ये निकलेगा, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाने चाहिए यार, इनको ऑर्डर में करो। मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस, गुड, इसको मैंने गुड दे दिया, लेकिन इस पर एक शर्त लगा दी, क्या, फिक्स्ड टाइम, है ना। तो इस फिक्स्ड टाइम ने, स्पीड ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये क्वांटिटेटिव रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। ध्यान से देखना कि ये क्वालिटेटिव है अकेला विदाउट एनी लिमिट, ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ऑड मैन आउट भी इस पर लग रहा है। तो इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। आपने एक वर्ड वो पकड़ना है जो लाइफ के लिए, टीचिंग के लिए, बच्चे के लिए पॉजिटिव है, उसको पकड़ लो, उसके सहारे फिर, है ना, फिर बाकी शब्दों से कंपेयर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर, 54th है यहाँ पर, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक है, वह एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, यार होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ही शुड बी ए वेल ड्रेस्ड, मेरी ड्रेस पता है, ये शर्ट पता कितनी पुरानी है, कम से कम 18 साल पुरानी है, 18-20 साल पुरानी होगी, ओके। तो आपको कुछ भी लेना देना है इससे कि मैंने क्या पहना है, और कई बार पता नहीं कैसे कैसे कपड़े, मतलब वीडियो देख सकते हो, कमेंट आए हुए हैं कि सर, है ना, तो किसी को लेना देना है, मेरी एक्सटर्नल से कुछ लेना देना है, मेरे यहाँ दाढ़ी कम आई है तो इससे लेना देना आया, बाहर से कुछ लेना देनी है, मेरे को समझ आनी चाहिए, टीचर्स से स्टूडेंट को समझ आनी चाहिए, लाइफ बेटर बननी चाहिए, वो हो रही है, यस, अगर वो हो रही है वो ऑप्शन बेटर होगा। तो ये तो बहुत ही पुअर है, वेल ड्रेस्ड, ये नहीं है कि ड्रेस मेरे जैसी बन जानी, मेरे को भी फॉलो नहीं करना। ही शुड हैव पेशेंस, हाय रब्बा कितनी अच्छी वैल्यू है, पेशेंस होगा तो बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। यहाँ पर पॉजिटिव टर्म है लर्नड, और दूसरी है पेशेंस। ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट, ये भी चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि ये पक्का रिजेक्ट हो गया, है ना। अब तीन हैं, इनमें से बेस्ट कौन सा होगा, क्या सब्जेक्ट की मास्टरी, इसको कंपेयर करते हैं इन दोनों से, क्या सब्जेक्ट की मास्टरी किसी के पास कम है लेकिन वो जो है जो टॉपिक पढ़ाना है उसको अच्छे से पढ़ के जाता है और बच्चों को प्यार करके पढ़ाता है, तो अकेला ये कंपेयर नहीं, ये चाहिए लेकिन टॉप पर नहीं आ रहा, है ना। सबसे पहले बच्चे को प्यार चाहिए, आपकी रेपो रिलेशन, रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट इतना बड़ा शब्द है ना, अगर किसी से प्यार करना है ना, मेरे पास कम से कम 2000 के करीब
2000 के करीब, 1800 के करीब केस हैं, और मोस्टली प्रेमी प्रेमिकाओं की हैं, और उनसे मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ, यार प्यार क्या होता है ना, तो आंसर उसका ले लो। सबसे पहले रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करनी है। प्रेमी हो फीमेल की, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी बॉडी की रिस्पेक्ट करो, उसके विचारों की भी रिस्पेक्ट करो, फिर प्यार करना बाद में आएगा, उसकी बात बाद में करोगे, है ना। मेल की भी ऐसे रिस्पेक्ट करो पहले। रिस्पेक्ट ऐसे नहीं होगी, अंदर होगी तो आएगी। अंदर कहाँ से आएगी? अंदर वहां से आएगी, हमारे पास उतनी नहीं है। सो ये वीक हो गया। तो ये जो है पेशेंस है, ठहराव है, वेट कर रहे हो, कोई बात नहीं हो जाएगा, है ना, मैं वेट कर रहा हूँ, ये वैल्यू है बहुत बड़ी, वैल्यू वैल्यू है। ओके, तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये इमोशनल अफेक्टिव डोमेन में हो रहा है, अफेक्टिव यहाँ इतना ही लिखा है। और लर्न्ड पर्सन और सब्जेक्ट मास्टर, ये कोग्नेटिव में आ रही है, ध्यान से देखना, और मैटर कंपेयर कर रहा हूँ, ये भी कोग्नेटिव में आ रही है। ऐसे भी कंपेयर करना, कई क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही मिलते हैं, कोग्नेटिव अफेक्टिव कोग्नेटिव, है ना। तो वेल ड्रेस्ड है, ये अपीयरेंस में आ रहा है या फिजिकल में आ रहा है? फिजिकल, है ना। तो फिजिकल को सबसे कम इंपॉर्टेंस देनी है, हमने सबसे ज्यादा फिजिकल को दे दिया है। आप लड़की देखने जा रहे हो तो फिजिकली सबसे पहले देख रहे हो, लड़के को देख रहे हो फिजिकली देख रहे हो, तो ये लेकिन आपका वीक पॉइंट है। तो फिजिकल को सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद कॉग्निटिव और अफेक्टिव से पहले किसको सेलेक्ट करोगे? पहले दिल को सेलेक्ट करोगे, दिल की भाषा को, जहाँ पहले थिंकिंग दिमाग को किसको करोगे, किसको करोगे, किसको करोगे? दिल को करोगे। पहले मुझे रिस्पेक्ट, प्यार, लव चाहिए, तो वो पेशेंस वाला बंदा दे सकता है। हाँ, लर्न जो है, एक लर्निंग जो है नेगेटिव भी हो सकती है, लर्निंग बहुत टॉप पर है ये वर्ड, लेकिन यहां पर पेशेंस क्योंकि अफेक्टिव डोमेन पर है, दैट इज वाई आगे चल रहा है। और लर्न्ड लर्निंग नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। अब ध्यान से देखना कि ये लर्न कर रहे हो, क्या वो लर्निंग से किसी को फायदा हो रहा है, उससे अपना फायदा हो रहा है, ये दोनों पॉसिबल है। लर्निंग अपने लिए का कोई काम अपने लिए कर रहे, किसी के लिए कर रहे और फायदा हो रहा है। जो पेशेंस है इससे तो हो ही रहा है ना, आपको भी फायदा हो रहा है और दूसरों को भी हो रहा है। और ठहराव है, मॉडलिंग है, दूसरे लोग समझ रहे हैं यार उसने पेशेंस रखी है। चलो बड़ी अच्छी बातें हैं इस रिगार्डिंग, लेकिन ये बात नहीं करूँगा। तो एक 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 प्रेफरेंस है 90-80% जब कॉग्निटिव अफेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन पर हो, तो दिल को सबसे पहले रखना, दिल की भाषा को, प्यार को, रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखना, है ना। दिल की भाषा में और क्या क्या शब्द आ जाते हैं? इंटरेस्ट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, है ना, इंजॉयमेंट है, पहले क्लासरूम में इंजॉयमेंट होगी, है ना, आपकी विचारों की रिस्पेक्ट है, आपको आपको रिवार्ड ज़्यादा दिए जाते हैं, दूसरे नेगेटिव नहीं मिलता, पनिशमेंट नहीं कम मिलती है, नहीं मिलती मतलब, तो नेचुरली है वहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। फिर नॉलेज की बात करो, फिर मास्टरी की बात करो, पहले जाते मास्टरी। तो ये कई बार होगा क्वेश्चन आएंगे, मास्टरी राइट आंसर होगा क्योंकि बाकी इतने वीक ऑप्शन होंगे, ये बात अलग से। देखिए आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस, एक तरफ डॉक्टर वो हैं जिन्हें जिनके पास मास्टरी है, लर्निंग है, अब लर्निंग है, मास्टरी ऑफ नॉलेज है, है ना, लेकिन वो किसी को अटेंड ही नहीं करते। ये मुन्ना भाई अनपढ़ है, है ना, ये दिल की भाषा करता है, ये उससे प्यार करता है, सुनता है, वो बोल नहीं रहा है, ये सुन रहा है, है ना। तो इतना प्यार रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, सच में अगर प्यार बढ़ जाए, रिस्पेक्ट बढ़ जाए, कितनी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। घर में बुजुर्ग बीमार क्यों है? कोई यार बुलाता ही नहीं है उनको, सच्ची बात है। पेरेंट्स क्यों डिस्टर्ब, यार मेरा बच्चा ही नहीं मुझे बुला रहा। तो आप कम्युनिकेट करो, पॉजिटिव करो, रिस्पेक्ट करो, सॉल्व क्यों नहीं होगी। और ये अतकथनी नहीं है कि ऐसे ठीक नहीं होते, होते हैं। पहले मेडिकल साइंस भी साइकोलॉजी को रिजेक्ट करती थी, अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं स्ट्रेस के जो कॉज हैं। तो फिजिकल प्रॉब्लम है वो दिल से ठीक की जा रही है, रिस्पेक्ट से, प्यार से। सारी फिल्म में जो ये देखिए दिल की बात की जा रही है,
है ना, कि उसकी इच्छा है कोई, वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है। रिप्रेशन थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की है, अनकॉन्शियस में दबा रह जाएगा, तो दबाना नहीं है, बेशक नेगेटिव है ना, सेक्स भी है, दबाना नहीं है, चैनलाइज कैसे करना है इस पर फिर कभी बात करेंगे। सो धीरे धीरे पॉजिटिविटी से देखिए, ठीक होता है वैसे। हाँ फिल्म है, ये तभी हो सकता है जब आपके पास प्यार है। सॉरी बहुत लंबा हो गया, वापस चलते हैं। 55th है क्वेश्चन, अब नहीं इतना टाइम लगाऊंगा, जल्दी जल्दी करूंगा। ये रहा 50। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए छात्रों को वह करने दो जो वो उनके मन पसंद है, तो फिर आपके स्कूल में आने की ज़रूरत क्या है। दो बातें हैं यहाँ पर, एक प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, और ये टीचिंग पोटेंशियल के लिए कई बार मैं बता चुका हूँ। एक पॉजिटिव है, ठीक है, एक जीरो है, न्यूट्रल है, एक नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव नहीं करना, नहीं करना ये ठीक है, लेकिन काफी नहीं है, है ना। जीरो को ना नेगेटिव करना ना पॉजिटिव करना कहीं ठीक हो सकता है, लेकिन ये काफी नहीं है। पॉजिटिव करना ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, जिसमें पॉजिटिव कर रहे हो और खुद कर रहे हो सेल्फ, आप किसी और को जिम्मेवारी नहीं दे रहे, तो वो बेस्ट आंसर होगा। तो यहां पर क्या है कि अलाउ द स्टूडेंट व्हाट दे आर, है ना, यहां पर क्या है कि जो करना है यार करो, मैं फ्री हूं आप फ्री हो, जीरो पर आ गए तो ये ऑप्शन रिजेक्ट होगी 100%, क्योंकि आप जिम्मेवार टीचर नहीं बन रहे। डील विद द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, ये जो वर्ड स्ट्रिक्टली है, कुछ भी जिंदगी में स्ट्रिक्टली मत करो, आपने भी सब कुछ किया है, आपके पेरेंट्स ने भी किया है, अब स्ट्रिक्ट हो रहे हो, है ना, ऐसा नहीं है, समझो उसको, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। बी ऑप्शन में है सख्ती शब्द, स्ट्रिक्टली ये इसको गलत कर रहा है। आगे है गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, दिस इज पॉजिटिव, सम प्रॉब्लम टू सॉल्व। डील विद देम पोलाइटली एंड फर्मली, देखिए क्या बात है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉग्निटिव एस्पेक्ट में वैसे आ रहा है, कॉग्निटिव में अब वही आ गया। पोलाइटली इसमें रिस्पेक्ट मिल रही है, लव मिल रहा है, अफेक्शन मिल रही है, दिल वाली भाषा आ गई ना, अफेक्टिव डोमेन आ गई ना। पोलाइटली के कारण, वैसे ये बहुत क्लोजली है, पोलाइटली के कारण आप उसकी ईगो की रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो तोड़ नहीं रहे, इसको तीर नहीं लगा रहे ऐसे करके, ये एरो नहीं लगा रहे, आप उसको संभाल के रख रहे हो। फेमली है ना, दृढ़ता से और निम्रता से, है ना, ये बेस्ट ऑप्शन बन रही है। कोई प्रॉब्लम जब सॉल्व करने को दे रहे हो तभी, तब भी डिसिप्लिन आएगा, है ना, तो तब भी वो प्रॉब्लम में एंगेज हो जाएंगे, लेकिन पहले प्रेफर करना है कोई दिल की भाषा जहां आती है। यहां मेरा क्वेश्चन गलत भी प्रोबेबिलिटी है कि किसी के पेपर सेटर के विचार मेरे से ना मिले, लेकिन ये रियलिटी जिंदगी की है, इससे सीधे सीधे बात की जा सकती है। एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन इज कलरफुल एंड गुड लुकिंग, देखिए क्या हो गया, अब ये फिजिकल लेवल पर आ गया कि फिजिकल का बात हो रही है, है ना, अपीयरेंस की बात हो रही है, दिखावट की बात हो रही है, जैसे मैंने ये शर्ट की पगड़ी की बात की, तो ये 100% वीक होगा। एक्टिवेट ऑल फैकल्टीज, फैकल्टी का मीनिंग नहीं पता, फैकल्टी का मीनिंग होता है, एक फैकल्टी थ्योरी है कि हमारे ब्रेन की, आगे जाके बताता हूँ, इज विजिबल टू ऑल, यस विजिबल होनी चाहिए लेकिन सफिशेंट है, ईजी टू प्रिपेयर एंड यूज, है ना, ये रहा, मैं वहाँ जाके आपको बताता हूँ प्रिपेयर की, विजिबल की, कलरफुल की, ये रहा, मैंने प्रिपेयर की, ध्यान से देखना कैसे राइट आंसर पर पहुँचना है, ये मैंने प्रिपेयर की, प्रिपेयर पूरा नहीं लिखूँगा, है ना, कलर कलर और क्या था, कलर विजिबल, जब क्लास में रखी है तो वे सब दिखाई दे रही है, विजिबल है, विजिबल है। तो चौथा क्या है कि ब्रेन की जो फैकल्टी है, ये फैकल्टी है, इसकी मेमोरी है, मेमोरी थिंकिंग है, ओके, इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, ओके, तो ये फैकल्टीज हैं, उन्होंने कहा ऑल फैकल्टीज, इसमें क्या आ गई, सारी मेंटल प्रोसेसेस आ गई, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, यहाँ अफेक्टिव कुछ नहीं है, यहाँ फिजिकल है बाकी ऑप्शन और एक कॉग्निटिव है, क्या हो गया कि यहाँ पर कॉग्निटिव, तो अब क्या आप,
अब ध्यान से देखना दूसरा कंपैरिजन, गोल क्या है एड का, उसके स्टेप क्या है। हाँ जी प्रिपेयर करनी है, स्टेप वन है जी प्रिपेयर करते हुए जो है, स्टेप टू का ध्यान रखना है कलर उसको कैसे करने हैं जी, अच्छे अच्छे कलर करने हैं स्टेप टू पर, क्लास में ले गए विजिबिलिटी चाहिए, ये सभी जरूरी हैं, लेकिन ये स्टेप्स हैं, ये साधन हैं, जैसे धर्म जात भाषा ये टूल्स हैं, इनको प्राप्त नहीं करना आपने, आपने प्राप्त किसी और को करना है। टीचिंग में किसको प्राप्त करना है, कि उनका माइंड वर्क करे, क्रिएटिवली करे, क्रिटिकली करे, वो राइट थिंकिंग की तरफ जाएं, वो मेमोरी को अच्छी तरह से यूज करें, ये एक्टिवेट कर देना। तो कितने तरह एनालिसिस है, गोल वाला जिसमें गोल अचीव हो रहा है वही राइट आंसर होगा, जो कॉम्प्रिहेंसिव है वही राइट आंसर होगा, जो कॉग्निटिव अफेक्टिव कॉग्निटिव अफेक्टिव पहले, अगर अफेक्टिव यहां नहीं है तो यहां कॉग्निटिव वाला, ये कॉग्निटिव है ये वाला कॉग्निटिव, तो ये बेस्ट आंसर होगा। ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हाँ फैकल्टीज कौन सी है, ये एग्जांपल दिया जजमेंट कंपैशन मेमोरी अटेंशन परसेप्शन कॉन्शियसनेस, है ना, जितनी दो तीन याद रहती है बस। दोज टीचर आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स हु डेवलप इंटीमेसी विद देम, बहुत ये रहा उनसे घनिष्ठता के साथ विकसित होता है, इंटीमेसी यहाँ इंपॉर्टेंट है शब्द। हेल्प देम टू सॉल्व दियर प्रॉब्लम, रिश्ता तो बना लिया अब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, कंपेयर करो क्या ठीक है नेचुरली, अभी वहाँ जाता हूँ। गुड अवार्ड गुड ग्रेड्स, मार्क्स दे दो भाई इसको, ज़्यादा मार्क्स दे दो। टेक क्लास ऑन एक्स्ट्रा ट्यूशन, ट्यूशन फीस फाइनेंशियल तो वीकेस्ट रहना है इसको तो रिजेक्ट, और ग्रेड मार्क्स ये भी रिजेक्ट कर दो, इंटीमेसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना। तो अब ये बताओ कि क्लास में बच्चा आया है, गोल और स्टेप की बात हो रही है, यहाँ पर यहीं पर दोबारा कलर को चेंज करके कंपेयर करेंगे, एक तो है कि क्या थी कि इंटीमेसी, दूसरा थी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये रहा कहाँ जाना है ये यहाँ पर हाँ इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब के घनिष्ठता नजदीकता, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल है, गोल को अचीव कर रहे हो वो बेटर है कि स्टेप को लेके बैठे हो। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है तो रिलेशनशिप किस लिए अच्छे बनाने हैं, आपने दोस्त क्यों बनाए हैं, क्योंकि आपको कुछ मिले और आप दें, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही ना ही प्रॉब्लम शेयर हो रही है, वो कहां की दोस्ती कहां का रिश्ता। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सेंट्रल हियर। 58th है द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, डायोरामा है, जो ब्लैक बोर्ड है, चाक बोर्ड है, इंटरेक्टिव फ्लैट, इतनी वैरायटी हो, लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, पिन ड्रॉप साइलेंस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो नेगेटिव वालों को तो पहले ही हटा देना है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ है, जिस घर में चुप है सारे यार क्या चुप है, अगर तो मेडिटेशन चल रही है बहुत अच्छी बात है, देन इट्स गुड वेरी गुड, इससे अच्छी तो ये वो क्या है, समझ लीजिए मेडिटेशन मीन कि ये माइंड है, ये जो आपका इतनी थिंकिंग ऐसे ऐसे निकलती है, सोच रहे हैं चिंता कर रहे हैं ये वाली, ये मेडिटेशन मतलब इनको धीरे धीरे ख़त्म कर देना, ये ख़त्म कर दी मेडिटेशन होगी, अब क्लास चुप है लेकिन उनके अंदर ये तो चल रहा है ना, अगर ये बंद है तो ठीक है, दैट इज़ वाई दिस इज़ रिजेक्टेड, इंटरनल तो विचार चल रहे हैं ना। तो वैरायटी ऑफ टीचिंग एड एक्सटर्नल है ये भी, हाँ ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, ऑडमेंट आउट, सबसे बड़ा शब्द लाइवली है ना, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, यहाँ पर बी में ध्यान से दें, उन्हें अपने बारे में संक्षेप में बताएं, ये कौन से पढ़ रहे हो भैया गलती कर रहे हो, ये रहा ये बी, स्वयं उनका अभ्यास होए, कौन सा है 58th, आगे चल गए भाई, ये रहा जीवंत छात्र, जीवंत एक ही वर्ड नहीं पर नहीं छोड़ना पूर्ण करना सा, जीवंत मीन आप फॉर्मल नहीं कर रहे, आप जीवंत कब हो, जिससे मिलके अच्छा लगता है यार, जिसके सुनने को जी चाहता है, जिससे मिलके आनंद मिलता है, जिससे मिलके पॉजिटिविटी मिलती है यार, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है,
तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, गाने नहीं गाने। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास इफ ए टीचर इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, आपको पहले दिन कहा जाता है कि सर अपनी इंट्रोडक्शन दो, आप क्या करोगे? आस्क हिम टू मीट आफ्टर द क्लास, बेटा आप मुझे ना क्लास के बाहर मिलो। भैया ये वहाँ पूछा गया है, बाहर जाके क्या अकेले को दोगे जो है इंट्रोडक्शन? टेल हिम अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे थोड़ा सा बताओ ब्रीफ में, है ना? अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है, इसको टिक कर रहे हैं। इग्नोर सबसे पहले, डिमांड एंड स्टार्ट टीचिंग, नो नो, बच्चों को इग्नोर नहीं करना, बात तो करनी है ना, पहला दिन है। स्कॉल्ड, रिजेक्ट, इग्नोर, रिजेक्ट, आस्क का बाद में बात करें, रिजेक्ट, ये राइट आंसर है कि ब्रीफ में अपने बारे में बता दो, है ना? ये आपने डिसाइड करना, मेरे से पूछो मैं क्या बताऊंगा, मैं चलो बताना क्या है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉरल वैल्यूज कैन बी इफेक्टिवली इनकल्केटेड अमंग द स्टूडेंट्स व्हेन द टीचर, शिक्षक होने पर विद्यार्थी में नैतिक मूल्यों का प्रभावी ढंग से विकास हो सकता है, अक्सर मूल्यों के बारे में बात करके, है ना, अच्छी अच्छी बातें करना, गलियां सी चंगियां अचारी बुरियां, बातें करना काफ़ी है, अब मैं बातें करी जो एक्शन कोई ना करूं, एक्शन जरूरी है। हिमसेल्फ प्रैक्टिस देम, वाओ 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 वाओ, व्हाई बताता हूँ, टेल्स द स्टोरी, देखिए देखिए आप दूसरों की बातें अच्छी बता रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आप खुद मॉडल बन रहे हो, प्रैक्टिस में क्या है, मॉडल बन रहे हो। अल्बर्ट बांद्रा की थ्योरी है, बीएड में पढ़ोगे मॉडलिंग, पीएसटेट सीटेट में पढ़ोगे मॉडलिंग, है ना? आप खुद करो, बच्चों में खुद, मैं ना राजे खुश रहो ऐसे कई शब्द है, थोड़ी मेडिटेशन ऐसे, चलो दो मिनट थैंक यू गॉड करते हैं, क्लास में ऐसे करवाना। तो मैंने टीचिंग प्रैक्टिस जब ली, उन्होंने कहा कि आपने भी करवाना है, वो कहते सर हम दो मिनट जाके उनको प्रैक्टिस करते हैं, एक ही छोटे क्लासों में वो लग गई टीचिंग, छोटे छोटे बच्चों को थैंक यू गॉड कराते हैं, मैडम जी थैंक यू गॉड करा दो, हाय रब्बा मेरिया। तो जब आप करते हो, है ना, तो नेचुरली है उसका असर होगा। मॉडलिंग ए थ्योरी के बच्चे रेगुलर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स इन क्लास एग्जिबिट ग्रेट क्रियोसिटी फॉर लर्निंग, क्रियोसिटी वेरी गुड, कि यार ये सीखना है ये सीखना है, इसका जवाब दो, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, क्रियोसिटी के इट मे बी बिकॉज ऑफ सच, ये क्या कारण हो सकता है कि वो गिफ्टेड बच्चे हैं, यस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है, कम्स फ्रॉम रिच फैमिली, रिच है तो हो गए, तो गरीबों ने क्या बिगाड़ा है अभी, शो आर्टिफिशियल बिहेवियर एक कारण हो सकता है, क्वेश्चन मार्क है, क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लास, नहीं यार क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, वो तो नहीं इंसल्ट कर रहे हैं यार, गिफ्टेड हो सकते हैं, पॉजिटिव है, ये देखिए ये देखिए, ऑड मैन आउट, कम्स फ्रॉम रिच नेगेटिव है, एक बायस्ड है, वन वे सोचा, आर्टिफिशियल बिहेवियर नेगेटिव है, इनडिसिप्लिन नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव को प्रेफर करना है रैशनली। बट नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, गुड कम्युनिकेशन स्किल, कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर, इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज। अब ये डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट में है, 62 है, उधर भी कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ करके ये साथ में चलेंगे 62। विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान वैसे चाहिए, विषय वस्तु का साउंड नॉलेज ऑफ मैटर जी बिल्कुल चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल, कंसर्न विद स्टूडेंट्स वेलफेयर, इफेक्टिव लीडरशिप, लीडरशिप सिर्फ एक ये काम नहीं करेगी, कॉम्प्रिहेंसिव है स्टूडेंट्स वेलफेयर ये वाली, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन दूसरे पर आ रही है नंबर पर, तीसरे नंबर पर आ रही है सब्जेक्ट मास्टरी। यहाँ पर इन तीनों को कंपेयर करें तो क्या पता चलता है कि वेलफेयर सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, पर इसकी चिंता है, सिर्फ कंसर्न है, अगर यहां पर होता एफर्ट्स एफर्ट्स तो फिर इसी को चूज करना था, इसके कारण का कंसर्न है, अभी किया कुछ नहीं है, चिंता ही कर रहे हैं अभी, सब ठीक हो जाए सब, ये सिर्फ जो चिंतन कर रहा है उसको जरूरी नहीं समझना। तो टीचिंग प्रोफेशन में प्यार दे रहे हैं या रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो, ये सिर्फ कंसर्न है। तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर हमेशा नंबर वन पर, जो ये है पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई उसके रैंक चलो बाद में बताऊंगा,
उसमें आया था इंटरेस्टिंग जो है, जो टीचर स्टूडेंट चाहते हैं कि क्लासरूम टीचर जो कैसा होना चाहिए, जो जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना दे, इंजॉय करवाए, तो यहाँ वो ऑप्शन नहीं है। तो कम्युनिकेशन अगर सब्जेक्ट अच्छा है ना तो कम्युनिकेशन हो जाएगी, अगर आपके पास नॉलेज ही है ना आप कहोगे क्या, है ना। तो ये पहले रैंक पर ही आएगा, दूसरे पर यही चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन ही बेस्ट टीचिंग है। तो ये भी है क्योंकि सिर्फ एक कंसर्न जो है वो इसको थोड़ा सा वीक बना रहा है, अदरवाइज इसको सोचा जा सकता है। लेकिन जब आपकी जॉब की सिलेक्शन होनी है, एक अच्छे टीचर को देखना है, तो जिसको दूसरों की चिंता है उसको चुनोगे, स्कूल में आपने रखना है। आप वो कह रहा है कि मुझे बच्चों की बहुत चिंता है, तो दूसरा है कि जिसकी सब्जेक्ट मास्टरी है, तीसरा है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल है लेकिन सब्जेक्ट मास्टरी नहीं है। तो नेचुरली है सब्जेक्ट मास्टरी होगी, अंदर होगा, के अंदर होगी, तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे। अकेली चिंता करने से कुछ नहीं है, गीता सार भी यही है ना कि चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। यहाँ पर ये मेरा ये ऑप्शन गलत भी हो सकता है, ये मान लीजिए ये टीचर है, टीचर के अंदर एक टीचर है उसके पास इतनी बड़ी के है और दूसरे टीचर के पास इतनी छोटी सी के फॉर नॉलेज। तो दूसरी बात है कि इसने ये कम्युनिकेट इधर करनी है ना, या ट्रांजैक्शन ऐसे करनी है, तो नेचुरली जिसके पास बड़ी है तो वो कुछ होगा तो निकलेगा ना, दैट इज़ वाई मास्टरी पहले नंबर पर आ रही है। ओके, तो जो इनकी चिंता कर रहे हैं मास्टरी भी नहीं है और कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो चिंता करके क्या मिलेगा। कंसर्न है, ये नहीं है कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो इससे ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसको क्रिटिकल में रख सकते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन, कोई पेपर सेटर इसको उसको कंसर्न को प्रेफर कर सकता है, बिल्कुल ये पहले नंबर पर है, पर सिर्फ कंसर्न से बात नहीं बनेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। बहुत अनौपचारिक और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में कौन सा उपयुक्त है, पॉजिटिव कौन सा है, वेरी इनफॉर्मल है, इंटीपेंट, जो ये शब्द आ गया वेरी, इसके कारण शक करना इस पर, लिमिटेड, इस पर शक करना, ये इसको शक नहीं करना, ये तो रॉन्ग ही कर देना, ये तो पक्का रॉन्ग कर देना, इनडिफरेंट, कोई रुचि नहीं रखना, बिल्कुल ये वाला रॉन्ग हो गया, वेरी ने यहाँ गलत कर दिया। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से राइट पर पहुंच गए, लेकिन ये पहले आपको एक वर्ड ही दे चुका हूँ, लव, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, रेपो, वो जिंदगी का सेंट्रल वैल्यू है। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, ये मत कहो प्यारे दो, प्यारे लो, रिस्पेक्ट ही देनी शुरू कर दो, प्यार अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन उसके बिना नहीं आ सकता यार। द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड इफ पेरेंट्स आर एनकरेज, यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए तो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधार किया जा सकता है। सुपरवाइज द वर्क ऑफ दियर वार्ड्स, अपने जो बच्चे हैं उनकी निगरानी करें, यस, इसको नकारात्मक नहीं समझ सकते, बिल्कुल। अगर ये UN कोई रिसर्च है, इंडिया में जो बच्चे गरीब हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो तो दिन भर काम पर रहते हैं, अनपढ़ हैं, होमवर्क नहीं करा पाते, और जिनके पढ़े लिखे हैं और वो काम करके बच्चों को टाइम दे रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस रिलेटिवली इसी फैक्टर के कारण काफ़ी ऊपर है, ये UNO की सर्वे का एक, तो दैट इज़ वाई सुपरवाइजर होनी चाहिए। अरेंज एक्स्ट्रा ट्यूशन, नहीं, आपने क्या किया, देखो 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 देखो, वही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ ने नहीं ली, अदर्स को दे दी, आप करो भैया, रिमेन अनकंसर्न्ड, न्यूट्रल हो गया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ओके। इंटरैक्ट विद टीचर्स फ्रिक्वेंटली, विद टीचर्स से तो फ्रिक्वेंटली कर लेंगे, ये भी अदर्स हो गया, अदर्स है ना, ये जीरो हो गया, ये भी अदर्स हो गया, राइट आंसर है सुपरवाइज करो भाई, आपको लगे सुपरवाइज करनी है, यस, बच्चे को देखना है, डांटने को थोड़ी कहा है, देखना है ना। इन ए लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी ओकेजनल रोर ऑफ लाफ्टर, मेरी क्लास तो नहीं है, पता नहीं, कभी कभी हंसी की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, संभावना है, कंप्लीट साइलेंस, देखो कंप्लीट को पकड़ लो, एक्सेसिव टर्म ये रिजेक्ट कर दो, फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंट लगातार, शिक्षक
छात्र संवाद, ये लगातार नहीं कि 24 घंटे में बोलते रहे, मतलब कि उनकी बातचीत होती रहे, है ना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, फिर बात बनती है। अगर किसी से लड़ाई हुई है ना, तो आपका कम्युनिकेशन वीक है, बैठो दोनों सोचो कि दो मेरी गलतियां मैं निकालता हूँ, आप भी अपनी गलतियां निकालो, आपने पॉजिटिव आपके ये हैं वो आप भी है लेकर लिखो, फिर हम साझा करते हैं उसको। ऐसा कुछ स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। लाउड वर्ड डिस्कशन अमंग, डिस्कशन बहुत अच्छी बात है लेकिन उसका विशेषण जो लाउड है उसको रिजेक्ट कर गया अमंग स्टूडेंट्स, ओ ऊंची ऊंची बिल्कुल गलत, तो कंप्लीट वैसे हो गया। ओकेजनल कभी कभी हंसना, ये भी अच्छी बात है, तो रोज भी हंसा जा सकता है, कभी कभी हंसना भी लाफिंग इज फ्रिक्वेंट, ये बेस्ट है, इसको चूज कर लिया। नेक्स्ट है 66th, इफ ए पेरेंट अप्रोचेज द टीचर टू डू सम फेवर ऑफ हिज और हर वार्ड इन द एग्जामिनेशन, द टीचर शुड, भैया एग्जाम आ गया कुछ इसकी हेल्प कर दो, उसकी मदद करने के प्रयास करेंगे, ऐसे क्या उनको स्लिप बताएंगे, ये भी तो मदद है, बच्चा मैं आपको पढ़ा दूंगा। आस्क हिम नॉट टू टॉक, नॉट जीरो हो गया, ये नहीं बात करनी। रिफ्यूज पोलाइटली, हाय मेरे अब्बा, एंड फिर्मली, ये पोलाइटली आ गया ना अफेक्टिव डोमेन पर, है ना, और दिल की भी बात रखी है और रिस्पेक्ट भी की है ना, तो ये अपने आस्क हिम रूडली टू गो अवे, नहीं पोलाइटली फिर्मली, मेरे ख्याल में डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर आपको सेंट्रल आइडिया समझ आ गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, क्या है, पंक्चुअलिटी, आ रहे तो टाइम पर रहे हैं, क्लास में भी टाइम में जा रहे हैं लेकिन क्लास में कुछ कर नहीं रहे तो दैट इज वाई पंक्चुअलिटी इज नॉट, वैल्यू है लेकिन फर्स्ट नहीं है। नॉलेज कंटेंट मास्टरी, हाँ इसको, ये पहला करेक्टरिस्टिक होता है, कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव, ये हमेशा रॉन्ग होता है, रिएक्टिव मीन इंपल्सिव अग्रेसिव, एकदम किसी ने नेगेटिव किया आपने भी एकदम जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा जिंदगी में नहीं बनना, अगर इतने ज़्यादा हो उतने ही दुखी होगे। कंटेंट मास्टरी एंड सोशेबल, कंटेंट मास्टरी एंड मिलनसार, है ना, देखिए ये गड़बड़ है तो मैं तो इसको सोशेबल को प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन जो राइट आंसर मोस्टली जिन्होंने दिया है, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, वो कंटेंट मास्टरी को है, तो आप डिसाइड कर लीजिए आपने किसको लगाना है, ये भी हो सकता है उन्होंने गलती की हो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कंटेंट मास्टरी भी है सोशल बल भी है, दैट इज़ वाई मैं तो इसको प्रेफर कर रहा हूँ। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद द चिल्ड्रन प्रिंसिपल टीचर हिमसेल्फ, देखा किसी को नहीं जिम्मेवारी देनी, यहाँ पर किसी को दे दी, अदर्स अदर्स माई सेल्फ, ये राइट आंसर होगा, है ना, कम्युनिटी अदर्स, ऑड मैन आउट, अदर्स अदर अदर सेल्फ, है ना, सो खुद जिम्मेवार बनना है। 69, एज पर एनसीटी नॉर्म्स व्हाट शुड बी द स्टाफ स्ट्रेंथ फॉर द यूनिट ऑफ 100 स्टूडेंट इन बीएड कॉलेज, एक बीएड कॉलेज में 100 टीचर एजुकेटर हो आप पढ़ने जा रहे हो तो उनके पीछे कितना वो जो स्टाफ चाहिए, है ना, तो वो रेशो कितनी चाहिए, है ना, 7 के पीछे 1 है, ये वाला राइट है, 7 बच्चों के पीछे 1 टीचर चाहिए। रिसर्च हैज शोन द, ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, दूसरा कोई आ गया, दैट मोस्ट फ्रिक्वेंट सिम्टम ऑफ नर्वस सिस्टम इनएबिलिटी अमंग टीचर, नहीं 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 ये वही है, एक है और कोई है, शोध से पता चला है कि शिक्षकों के तांत्रिक अस्थिरता का सबसे आम लक्षण है पाचन संबंधी गड़बड़ी, विस्फोटक व्यवहार, थकान, चिंता, तो ये रिसर्च बेस्ड है। डाइजेस्टिव सिस्टम होगा यहाँ पर लगाइए, ये छोटा कारण है, नहीं हो सकता। एक्सप्लोसिव बिहेवियर, विस्फोटक, क्या सभी टीचर एक्सप्लोसिव है, नहीं, है ना, क्या वो थक जाते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस से, जो वरी होती है ऑक्यूपेशनल वर्कलोड उसके कारण है, ओके, वैसे भी उसका सीधा संबंध है जो प्रॉब्लम बताई गई है। 17th क्वेश्चन है यहाँ, 71, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, पाठ्यक्रम का एक परिशिष्ट है, रिंदो इधर आ जाओ, एन एक्स्टर, सिलेबस इज पार्ट ऑफ करिकुलम, यहाँ पार्ट लिख लो अगर नहीं समझ आ रहा,
करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, उसके मान लीजिए 100 कॉलेज हैं, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका बीएड का जहाँ ग्रेजुएशन का सिलेबस जो है करिकुलम, वो सेम होगा सभी में, सिलेबस सेम होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस, जो टॉपिक हैं, जो थीम्स हैं, जो मैथड सजेस्टेड हैं, सॉरी सिलेबस सिलेबस मैथड नहीं, वो सेम होगा सभी के लिए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का, पंजाबी यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सभी का उन यूनिवर्सिटी के लिए सेम है, लेकिन करिकुलम सेम नहीं होता। करिकुलम क्योंकि इंटरेक्शन है, क्या करते हो, क्या एक्टिविटीज़ करते हो, क्या प्लानिंग की है उसी करिकुलम को, उसी सिलेबस को पढ़ाने के लिए, जो एक्टिविटीज़ हैं, कोई उसके लिए वर्कशॉप लगाता है, कोई क्लासरूम में पढ़ा रहा है, कोई फील्ड विजिट कर रहा है, सभी का डिफरेंट है। सो करिकुलम हमेशा वेरी करता है, दैट इज़ वाई ये गलत हो गया। करिकुलम इनकलकेट बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, नहीं, जब आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की डेफिनेशन करते हो तो उसका मतलब ही करिकुलम, एम्स ऑफ एजुकेशन, टाइम टाइम टेबल, ये हैं, ये फॉर्मल किया, इनफॉर्मल नहीं है, ये गलत हो गया। करिकुलम डज नॉट इंक्लूड मेथड ऑफ इवेल्युएशन, यस, करिकुलम में ये बताया जाता है कि आपने एवेल्युएशन कैसे करनी है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, एनेक्डोटल बनाओ, रूब्रिक्स बनाओ, स्केल बनाओ, रेटिंग स्केल बनाओ, है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे करनी है, क्विज करने हैं, तो ये बताया जाता है। तो राइट आंसर इसका है सिलेबस इज पार्ट ऑफ करिकुलम, ओके, अलग अलग चीज़ें हैं। द सक्सेसफुल टीचर इज वन हु कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनेटेरियन, एक सफल दयालु और अनुशासक, दयालु अच्छी बात है ना मेरे ख्याल में, काफ़ी क्वाइट एंड रिएक्टिव, रिएक्टिव तो नेगेटिव वर्ड है, लाइफ में से इसको निकालो, जितने आप रिएक्टिव हो उतने अभी दुखी हो, उतना अंदर पड़ा है। मेडिटेशन, योगा, पॉजिटिव एनर्जी से नेचर के पास जाओगे तो ये कम होंगे, दैट इज़ वे इसको रिजेक्ट करो। टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग कर गया काम खराब, पैसिव काम खराब कर गया, तो नेगेटिव करके हम वो कंपैशनेट पॉजिटिव है, वेरी इजी, है ना, तो ये पॉजिटिव है, इसको अपना लेंगे। अफेक्टिव डोमेन पर भी है। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट, ओके, छात्र को बौद्धिक स्तर पे, शारीरिक मानसिक सुधार करना, हेल्प ऑलराउंड, देखिए यहाँ पर वन डायमेंशन है, एक डायमेंशन की बात है, इंटेलेक्चुअल फिजिकल डायमेंशन एक की बात है, यहाँ पर ऑल की बात है, होल की बात है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये होल है। इम्बाइब वैल्यू सिस्टम इन दी स्टूडेंट्स, वैल्यू सिस्टम ये एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ओके, तो होल को चूज करेंगे, राइट आंसर सी है इसमें। 74th है, माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव, बीएड करोगे ना तब, देखिए टीचिंग जो है ये टोटल मैनी स्किल्स का कॉम्बिनेशन है, स्किल इंट्रोडक्शन लेसन, क्वेश्चनिंग आंसरिंग, ब्लैकबोर्ड पर लिखना, इंटरेक्शन करना बच्चों से, वेरिएशन बिहेवियर में लाना, ऑडियो विजुअल एड को यूज़ करना, ऐसे काफ़ी स्किल्स हैं। तो जब किसी एरिया में आप वीक हो, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चनिंग आंसरिंग में वीक हूँ, क्वेश्चनिंग आंसरिंग में वीक हूँ, तो मैं क्वेश्चनिंग आंसरिंग पर 5 से 6 मिनट का लेसन प्लान मैंने बनाया, लेसन प्लान बना के मैंने उसको यहाँ पर डिलीवर किया, यहाँ पर 5 बच्चे ऐसे बैठे हैं सिर्फ, और पीछे कैमरा भी लगा दिया, रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल लगा दिया, ऐसे भी है, तो मैंने 5 मिनट पढ़ाया, फिर इनसे पूछा कि मेरे पॉजिटिव क्या हैं, मेरे नेगेटिव क्या हैं, है ना, और रिकॉर्डिंग में सेल्फ में बाद में रिकॉर्डिंग देखी कि मेरे पॉजिटिव क्या हैं, मेरे नेगेटिव क्या हैं, तो नेगेटिव को आपने रिड्यूस करने के लिए रीप्लान किया और पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए ये रीप्लान करके फिर आपने रीटीच किया ऐसे ही 5 मिनट और इम्प्रूवमेंट आई, फिर फीडबैक ली, ये ऐसे साइकिल है उसका माइक्रो टीचिंग का। तो ये ड्यूरिंग होगी, यहाँ पर देख लेते हैं, माइक्रो टीचिंग ड्यूरिंग होती है, ड्यूरिंग 2 बार है, ड्यूरिंग कहाँ, ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस इंटर्नशिप अब बोला जाता है, ये टिक होगा, ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, ये प्रेपरेशन है, कई बार पहले भी थोड़ी करवाई जाती है, लेकिन ये टीचिंग प्रैक्टिस का वो पार्ट ही होता है, यही राइट आंसर होगा कि टीचिंग प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, वो माइक्रो टीचिंग से शुरू हो सकती है, क्योंकि वीक स्किल्स को इम्प्रूव करना है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट लाइक इन द मोस्ट इन द टीचर, आइडियलिस्टिक फिलोसफी, बड़ी बड़ी बातें करनी, ऐसे कर लो वैसे कर लो, वह है अच्छे इंसान बनो, सच बोलो, है ना, अच्छी बात है, गुड है, बातें करनी है, फिलोसफी के एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए। मॉडल वाला बच्चा बंदा अच्छा होता है, खुद करे, कहने कम बोले, अखा कॉम्पैशन, है ना। बी तार्किक प्रस्तुति, ये क्या आ गया यार, 75वां है, रॉन्ग हो गया, यहाँ पर ला लें इसको, ये रहा, है ना। करुणा, दया, यहाँ पर करुणा आ गई, दया, डिसिप्लिन, एंटरटेनिंग, क्योंकि अगर फिलॉसफी है एक्शन में नहीं है, जो चीज़ एक्शन में आपके हैं वो बेस्ट होगी, तो इस ऑप्शन में वो देखिए कि वो आपके एक्शन में है, एक्शन में दिखाया जो जा सकता है, करुणा और डिसिप्लिन, एंटरटेनिंग को आप रंगारंग प्रोग्राम लेके नहीं जा रहे, टीचिंग को इंजॉयबल करना है, ये बेस्ट है, लेकिन सिर्फ एंटरटेनिंग के लिए हो आप, ऐसा नहीं। तो अब आइडियलिस्टिक ये एक्शन में नहीं है, इसको उड़ा दिया, तो एक्शन में अगर कंपैशनेट और डिसिप्लिन में, ये देखिए एक्शन में कौन ज़्यादा है, कि आप दूसरों से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, आप बच्चों से प्यार से, आप हेड से अच्छी बात कर रहे हो, आप टाइम पर आ रहे हो, आप सब्जेक्ट की मास्टरी भी है, और आप देखो डिसिप्लिन, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, तो मेरे ख्याल में बड़ी बात है जो हमने सोचा ही नहीं था, है ना। तो राइट आंसर इज डिसिप्लिन, कंपैशनेट भी चाहिए, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ रहा है आपका। नेक्स्ट है, गुड इवेल्युएशन ऑफ रिटन मटेरियल शुड बी नॉट बेस्ड ऑन, 67th नॉट है, यहाँ पर नॉट को कहा गया गुड बेस्ड, नॉट बी, ओके, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन, लॉजिकल प्रेजेंटेशन, देखिए ये भी चाहिए, लॉजिकल प्रेजेंटेशन चाहिए, लिंग्विस्टिक अप्रेशन, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक अप्रेशन ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं ना होगा, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वट एवर इज रीड, जो कुछ भी पढ़ा जाता है उसे पुनर्प्रस्तुति की क्षमता, वेरी गुड, रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी चाहिए, सही हो गया फिर। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय की समझ, ध्यान से देखना ये कितना, ये नैरो बन रहा है, विषय की समझ, आप यहाँ पर सब्जेक्ट पर है, कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंडरस्टैंडिंग किसकी चाहिए, ये थोड़ा सा नैरो कर रहा है उसको, उसकी इवेल्युएशन आप कर रहे हो, उसके पार्ट देख रहे हो, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन देखोगे, लॉजिकल देखोगे, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस करोगे, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ सब्जेक्ट पार्ट है, लेकिन यहाँ पर वीक चल रहा है। दूसरी बात है, इतनी क्लोजली एसोसिएटेड हैं ये, तो इसको स्टेम को दोबारा देखेंगे, गुड इवेल्युएशन ऑफ रिटन मटीरियल है, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा गया कि वो सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट की ही मास्टरी हो, अगर ओपन कोई मटेरियल बच्चे ने लिखा है, कोई ओपन बात लिखी है, उसमें सब्जेक्ट मास्टरी क्यों चाहिए, तो सब्जेक्ट जो जो न्यू अप्रोच ऑफ टीचिंग है वो ध्यान से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ोगे, वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेटेड हो, होलिस्टिक अप्रोच हो, लाइफ की बात हो, सब्जेक्ट पर उसको लिमिट नहीं कर सकते हम, है ना। इवैल्यूएशन किसी मटेरियल की करनी है, आप उसके कंपोनेंट बनाओगे कि लिंग्विस्टिक, लॉजिकल और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, सो ये थोड़ा वीक चल रहा है, इसको नॉट है राइट आंसर, इसको ही चुनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 77th, व्हाई डू टीचर्स यूज टीचिंग एड्स, फ्री होते हैं इसलिए यूज कर लेते हैं, ईजी है, एड मीन हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो अच्छा, टू मेक टीचिंग फन, फन के लिए नहीं कर रहे, टीच के लिए कर रहे हैं, टीचिंग क्या है, ज्ञान देना, वैल्यूज देनी, स्किल्स देनी, तीन बातें मेन, टू टीच विद इन द अंडरस्टैंडिंग, आपका पहला पेपर होगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, यस, आप पहले समझो ना, मैं दूसरों को समझूंगा तो रिश्ता बनेगा तो कुछ लेन देन होगा ना नॉलेज का, फॉर स्टूडेंट्स अटेंशन, यस ठीक है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, टू मेक स्टूडेंट अटेंटिव, दोनों बातें सेम हो गई, रिपीटेड है, सिमिलर है, दोनों रिजेक्ट हो रही है, इसलिए भी, तो ये स्टेप है, ये भी स्टेप है, अटेंशन चाहिए, लेकिन ये गोल है कि अंडरस्टैंडिंग, जो मैं टू टीच द विद इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि बच्चों की समझ के अनुसार मैं टीच कर सकूँ, ये गोल है, गोल को चूज करेंगे, यहाँ पर ये पीछे बात हो चुकी है, यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। 78th है, एटीट्यूड कंसेप्ट स्किल एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ, ये रेलिवेंट नहीं है, टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आंसर दे देता हूँ, एटीट्यूड
आपका फेवरेबल या अगेंस्ट हो सकता है, ये आपके रिएक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मदर के प्रति आप पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो. मैं पाकिस्तान बोलता हूँ तो आप क्या सोचते हो ना, मैं नहीं सोचता. तो आप किसी धर्म का बोलते हो, आप ये एटीट्यूड्स हैं, कंसेप्ट्स है ना, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, स्किल बाई साइकिल आती है, आटा गूंदना आता है, और नॉलेज है ना, देश पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है, वगैरह वगैरह. तो ये सारी लर्निंग है यार, रिसर्च थोड़ी है ना. हेरिडिटी जो जीन से होती है, जब कंसीव करते हैं छोटा बेबी एक बिंदु बनता है ना, वो उच बेचारा कुछ आ जाता है, जीनू जीनू. हेरिडिटी नहीं है भाई, एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, लर्निंग है ये सारा कुछ. ओके आगे चलते हैं. TET UGC नेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, CTET वगैरह में भी. निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी को बातचीत करने के लिए अधिक स्वतंत्रता देता है? स्वतंत्रता किसके लिए? आमंग करेंगे फॉलोइंग गिव द फ्रीडम टू इंटरेक्ट, ये जरूरी है. टू लर्नर टू फ्रीडम और इंट्रैक्शन. यूज ऑफ फिल्म, ये लगी है फिल्म, ये आप बैठे देख रहे हो दो जाने, फ्रीडम है. अभी आपस में बातें करेंगे या इसको देखेंगे? ये इसको देख रहे हैं. जब का ये रिसर्च है, जब का टेलीविजन आया है तब से परिवार भी बैठ के बातें करना, जब का मोबाइल आया है ना, आपसी बातचीत वो कम हो गई है, फेस टू फेस वाली स्मॉल ग्रुप डिस्कशन. और डिस्कशन तो खुद ही इंट्रैक्शन है, एक ही वर्ड है जो डिस्कशन में इसी में आ रहा है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन. यस आपने इंटरेक्शन फ्रीडम दिया और बात करेंगे, ये तो सीधा ही आंसर मिल गया. लेक्चर वन वे है, आप बोल रहे हो, बच्चा सुन रहा है, तो फ्रीडम कहाँ रही? आप तो बंदे पड़े हो, बार बार देख रहे हो, हाय हाय ये तो वीडियो आप बंद कर दोगे, मैं बोर कर रहा हूँ. लेकिन क्लास में क्या करोगे? व्यूइंग कंट्री वाइड क्लासरूम, ऐसे ही है जैसे इसको इनको देख रहे हो टीचर को, ऐसे टीवी को कंट्री वाइड क्लासरूम को देख रहे हो. वन वे प्रोसेस, ये ऑड मैन आउट से भी सॉल्व हो रहा है. ठीक है, वन वे टू वे प्रोसेस इसको सिलेक्ट किया जा रहा है. नेक्स्ट 80th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? एटीट्यूड, कंसेप्ट, नॉलेज, मैच्योरेशन. आंसर इज मैच्योरेशन. हाँ अभी बता के आए हैं, क्योंकि मैच्योरेशन जो है इसको बायोलॉजिकल मैच्योरेशन बोलते हैं. वैसे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जीन्स हैं, जीन्स आपका प्रोग्रामिंग कर देता है, प्रोग्रामिंग. फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद 4 6 5 महीने बाद बच्चा बैठना शुरू कर देगा, है ना. मान लीजिए 10 महीने बाद उसके बिहेवियर में ये चेंज आएगा, 12 महीने बाद ये होगा वगैरह. ये जो चेंज ऑटोमेटिक है और टाइम से रिलेटेड है, टाइम उसी टाइम पर होंगे, तो और प्रोग्राम है आपके जीन में, तो वो हेरिडिटी से रिलेटेड है. दैट इज नॉट लर्निंग. इज लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? क्या चेंज आप में क्या आ रहे हैं, और वो बिहेवियर में आ रहे हैं, और थिंकिंग में, इमोशन में, है ना, ड्यू टू एक्सपीरियंस आ रहे हैं, है ना, इंटरेक्शन से आ रहे हैं. तो यहाँ पर हेरिडिटी वो 9 महीने पहले जो कंसीव किया था उस वक्त जो होता है, जीन्स जो हैं वो आपके ट्रेट्स डिसाइड करते हैं. दैट इज़ नॉट जो नॉट प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी, इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ वैलिडिटी. मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है. थैंक यू. अगर बाकी की वीडियो निकाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा. इतना देखें, कोई रिएक्शन दे. थैंक यू एंड थैंक यू.